बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं शोएब खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूं या जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो स्लाइटली डिफरेंट है जो नॉर्मल दिनों में जो खबरें आती हैं और जो एनालिसिस होता है उससे हट कर है। आज एक डिफरेंट चीज़ इसलिए क्योंकि मैं पंजाब पुलिस के हवाले से बात करूँगा और उनको खराज तहसीन पेश करना आज हमने, क्योंकि हम नॉर्मली टेलीविज़न पे और अपने माशरे में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं जिनमें हम बाकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको तो हम ट्रिब्यूट देते हैं, उनके शहदा को भी हम लूप में रखते हैं और उनके हवाले से हम बहुत प्रमोशन अपने सोसाइटी में जो है वो देते हैं या प्रमोट करते हैं उनको। पंजाब पुलिस के हवाले से मैं स्पेसिफ़िकली ये बताना चाहता हूँ कि पंजाब पुलिस ने भी बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिसमें जो पुलिस के ऑफिसर्स होते हैं और जो जवान होते हैं वो भी शहीद होते हैं, लेकिन एक नेगेटिव परसेप्शन हमारी सोसाइटी में उनके हवाले से बस यही सुनने को मिलती है कि वो रिश्वत के हवाले से, बहुत आपने सुना होगा नॉर्मली कि रिश्वत लेते हैं और अननेसेसरी मीन्स इस्तेमाल करते हैं, सियासी असर रसूख उनके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। तो IG पंजाब ने भी एक इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया है शोएब दस्तगीर साहब ने, और उन्होंने कहा है कि पंजाब पुलिस को भी प्रमोट करना चाहिए। हमें ये वीडियो सुने जो इंट्रोडक्शन है इसका कि IG पंजाब इस हवाले से क्या बात करते हैं। कोरोना के हवाले से हमारी कोई 60,000 की नफरी पूरे पंजाब के साउथ से लेकर नॉर्थ तक डिप्लॉयड रही है। आपने देखा कि हमारी 2 शहादतें हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी एक आदमी ने पूरे पंजाब की 2.25 लाख की फोर्स पे इससे तामुल नहीं किया ड्यूटी से। ये वो कुर्बानियां हैं जो शायद लोगों को, अवाम को नजर नहीं आती। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी सेहतमंदी के लिए अपने आप को बार बार एक्सपोज किया। जी, तो आपने ये वीडियो देखी है, इसमें जैसे कि वो बता रहे हैं कि पंजाब पुलिस के क्या क्या मामलात रहे हैं गुज़श्ता दौर में भी और प्रेजेंट में भी और अब फ्यूचर में क्या करना है, और उसके अलावा पंजाब पुलिस के जो ऑपरेशंस हैं उसमें जो लोग हिस्सा लेते हैं, जो पुलिस के लोग हैं, और जो प्लानिंग होती है वो एक लंबी हिस्ट्री है। तो आज बेसिकली मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से जो है वो एक तो ये चीज़ उजागर करना चाह रहा था कि पंजाब पुलिस के हवाले से भी हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं जो नॉर्मली आवाम तक नहीं पहुँचती, उनकी कुर्बानियाँ। जैसे देखें, अब लॉकडाउन हुआ तो मुख्तलिफ जगहों पर पूरे पंजाब में नाके लगाए गए और उन्होंने लोगों में इवन सैनिटाइजर भी बांटे और मास्क भी बांटे, और लोगों को ये बताने की कोशिश भी उन्होंने की लाइटर नोट पे कि आप घरों में रहें ताकि लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वायरस से बचाया जा सके। उसके अलावा जब ईद के दिन आते हैं या कोई बड़ा त्यौहार आता है तो उसमें भी आप देखते हैं कि मस्जिद के बाहर भी पुलिस के लोग खड़े होते हैं और जो है वो उन लोगों को सिक्योरिटी पर मामूर किया जाता है। मेरी एक दो दफ़ा इस तरह से मुलाकात भी हुई कुछ पुलिस ऑफिशल्स के साथ भी, और जो पुलिस के जवान हैं जो मसाजिद और सिक्योरिटी के ऊपर मामूर होते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, तो उन्होंने मुझे बड़ी एक मुझे लगा कि वो बेचारे इस चीज़ को बहुत महसूस करते हैं कि नॉर्मली जब ईद के दिन होते हैं लोग मस्जिदों से बाहर निकलते हैं तो वैसे तो बगलगीर होते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, लेकिन जो पुलिस के लोग होते हैं उनके साथ कोई मिलना भी पसंद नहीं करता। और उसके अलावा कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं उसके ऊपर जो है वो पुलिस को इतना ज़्यादा लोग नहीं पसंद करते, इवन डिपार्टमेंटल इश्यूज भी हैं, लेकिन उसके ऊपर हम किसी और दिन बात करेंगे इंशाल्लाह। मेरा जो बेसिक मकसद था वो था कि पंजाब पुलिस को जो है वो ट्रिब्यूट पेश करना है, उनके शहदा को सलाम पेश करना है और उनके एफर्ट्स को जो है वो हमें प्रमोट भी करना चाहिए और लोगों के एक अंदर एक पॉजिटिविटी लानी चाहिए कि पंजाब पुलिस जो है या जो पुलिस का डिपार्टमेंट है वो भी कुर्बानियाँ देता है, वो भी अच्छे काम करता है, अपने अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए वो भी अपना दिन रात एक करते हैं। ये वीडियो देखें जो पंजाब पुलिस का इनिशिएटिव है। वतन की खातिर मैं सह रहा हूँ तुम्हारे ताने, वतन की खातिर मैं सह रहा हूँ तुम्हारे ताने, ये मेरे दिल की
खुदा ही जाने, ये मेरे दिल की, ये मेरे दिल की खुदा ही जाने। मैं हक का राही, मैं हक का राही, मैं हूँ सिपाही। मैं हक का राही, मैं हक का राही, मैं हूँ सिपाही। जमीन कांपे कदम से मेरे ये बलबदाए, मैं घुस के दुश्मन को घर में मारूं ये हास लाए। जमीन कांपे कदम से मेरे ये बलबदाए, मैं घुस के दुश्मन बताओ। शहीद हो तक भी जाबू सब बताओ। कहाँ है तहरीर फलसफाए मुझे दिखाओ, कहाँ है तहरीर फलसफाए मुझे दिखाओ। यही कहना चाहूंगा कि इनको सलाम भी पेश करें और इस वीडियो को प्रमोट भी करें, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको आज पसंद आई होगी। शुक्रिया। मैं हक का राही, मैं हक का राही, मैं हूं सिपाही। मैं हक का राही, मैं हक का राही, मैं हूं सिपाही। जमीन कांपे कदम से मेरे ये बलबदाए, मैं घुस के दुश्मन को घर में मारूं ये हास लाए। जमीन कांपे कदम से मेरे ये बलबदाए, मैं घुस के दुश्मन को घर में मारूं ये हास लाए।
सिपाही, मैं हूँ सिपाही।